तो दोस्तों ये है Xiaomi Watch 2 Pro जो कि ग्लोबल मार्केट में दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है. एंड दिस इज जस्ट अ फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो एंड मैं कुछ अपने इनिशियल थॉट शेयर करूंगा जो फीचर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे. तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि Xiaomi की तरफ से आने वाला ये पहला स्मार्ट वॉच है जो गूगल वियर OS पे रन कर रहा है. इसका मतलब यह है कि इसमें आपको ना केवल गूगल के बहुत सारे ऐप्स यूज करने मिलेंगे बल्कि आप प्ले स्टोर से बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये वॉच आपको दो डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिल जाती है. दोनों की केसिंग स्टेनलेस स्टील की है. सो मेरे पास जो वेरिएंट है ये सिल्वर केसिंग के साथ है, इसमें लेदर का बेल्ट देखने को मिलता है. एंड जो सेकंड स्टाइल है वो ब्लैक केसिंग के साथ आता है, उसमें फ्लोरोकार्बन रबर स्ट्रैप देखने को मिलता है. अब ये देखने में मुझे हुआई के वॉच प्रो सीरीज की काफी याद दिलाता है. ओवरऑल लुक एंड फील में ये काफी प्रीमियम लगता है. एंड हाँ, प्लीज नोट कि आपको ये वॉच केवल 46mm डायल साइज में ही देखने को मिलती है, कोई और डायल साइज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सो इसकी जो बेल्ट है ये पिन स्टाइल के साथ आती है जिसको आप इजिली रिमूव कर सकते हैं. आपको वॉच के एक साइड में एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, दूसरे साइड में एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है कॉलिंग के लिए. एंड ये वॉच ब्लूटूथ एंड ई सिम दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है. अब इस वॉच के साइड में आपको एक रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है एंड दो बटन देखने को मिलते हैं. इस रोटेटिंग क्राउन से आप ऐप ड्रावर को नेविगेट कर सकते हैं एंड क्राउन को प्रेस करके किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं. अगर आप इस क्राउन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं जो कि काफी यूजफुल है. इसके अलावा आपको दो बटन्स और देखने को मिल जाते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट वर्कआउट मोड को एक्सेस करते हैं, बट आप इस अपर बटन को सेटिंग में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं एंड किसी भी और शॉर्टकट को ओपन कर सकते हैं अपने हिसाब से. तो चलिए अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं. आपको इसमें 1.43 इंच का एमोलेड स्क्रीन मिलता है जिसका रिजोल्यूशन 466x466 पिक्सल है. सो इसका ओवरऑल पीपीआई अराउंड 326 है एंड 600 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है. एंड एमोलेड होने की वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी ये सपोर्ट करता है. सो ओवरऑल मुझे डिस्प्ले की क्वालिटी काफी उम्दा लगी. अगर अब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वॉच में आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला W5+Gen1 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि एक हाई परफॉर्मेंस चिपसेट है वॉचेस के लिए. एंड ये भी रूमर्ड है कि नेक्स्ट गूगल पिक्सल वॉच में हमें यही चिपसेट देखने को मिलेगा. तो मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में ये वॉच मुझे काफी स्मूथ लगी. आई डिड नॉट नोटिस इवन माइनर लैग्स और ग्लिचेस. एंड ये वॉच आपको 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज के साथ मिलती है. अगर हम सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको ऑप्टिकल PPG सेंसर मिल जाता है जो कि मोस्ट ऑफ द बेसिक ट्रैकिंग करता है. इसके साथ ही आपको ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड टेम्परेचर सेंसर भी मिल जाता है. इसके अलावा वॉच 2 प्रो में एक इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस सेंसर भी मिल जाता है जो कि एडवांस ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि बॉडी फैट परसेंटेज, मेटाबॉलिक रेट एटसेट्रा. एंड यूजुअली विद दिस सेंसर आप ECG को भी मेजर कर सकते हैं, बट आई कुड नॉट फाइंड द ECG ऑप्शन इन दिस वॉच. सो लेट्स सी अगर Xiaomi किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ECG फंक्शन को एड करता है फ्यूचर में. आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस. नाउ लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन द सॉफ्टवेयर साइड एज वेल. अगर आप होम स्क्रीन पे लेफ्ट या राइट स्वाइप करते हैं तो आपको बहुत सारे विजेट्स को एक्सेस कर सकते हैं. होम स्क्रीन से डाउन स्वाइप करने पे आपको नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं एंड अपवर्ड स्वाइप करके आप क्विक टॉगल मेन्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं. इस क्विक टॉगल मेन्यू को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से. अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आपको गूगल के बहुत सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गूगल पे एंड थैंक्स टू NFC एंड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आप मोबाइल पेमेंट भी कर सकते हैं इस वॉच के थ्रू. अगर अभी आप सेटिंग में जाते हैं तो आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. इसके अलावा अगर आपकी वॉच eSIM सपोर्ट करती है तो वो कनेक्टिविटी ऑप्शन भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा. अब आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी वॉच फेसेस के ऑप्शन भी मिल जाते हैं जो कि एमोलेड स्क्रीन की वजह से देखने में काफी रियलिस्टिक लगते हैं. इसके अलावा आपको अडाप्टिव ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि एम्बियंट सेंसर की वजह से काम करता है. एंड और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग में, जिनको आप टर्न ऑफ करके वॉच की बैटरी को थोड़ा और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं. इसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन में जाते हैं तो उनको कस्टमाइज करने का काफी ऑप्शन मिल जाता है. एंड नेक्स्ट सेटिंग में आपको ऐप ड्रावर के लेआउट को चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है. अब इस बैटरी ऑप्शन में आपको बैटरी सेवर का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि यूजफुल है. अब हेल्थ प्रोफाइल सेक्शन में आप अपने डिटेल्स को डाल के अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं. एंड अबाउट वॉच सेक्शन में अब आपको वियर OS का वर्जन, फर्मवेयर, बिल्ड, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं. सो ओवरऑल गूगल का वियर OS सिस्टम काफी स्मूथ लगा एंड मुझे इसमें कोई भी ग्लिचेस नहीं दिखे. अब हम कुछ और फीचर्स की बात करते हैं. इसमें बैटरी की कैपेसिटी 409 mAh है
एंड जो ई सिम के साथ वेरिएंट है वो आपको 55 आवर्स का रन टाइम दे सकता है एंड ब्लूटूथ वेरिएंट आपको 65 आवर्स का रन टाइम दे सकता है. सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वॉच 2 दिनों का रन टाइम आपको दे सकती है. इसके अलावा ये वॉच 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट भी है, बट Xiaomi कोई IP सर्टिफिकेशन क्लेम नहीं करता है वेबसाइट पे. सो वॉट इज माई ओवरऑल इम्प्रेशन, तो मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये वॉच बहुत ही सॉलिड है. Xiaomi ने बहुत सारी वॉचेस लॉन्च की हैं पास्ट में जो कि फंक्शनैलिटी के वाइज फिटनेस ट्रैकर की कैटेगरी में ज्यादा आती हैं रेदर देन अ स्मार्ट वॉच. बट वॉच 2 प्रो Xiaomi की तरफ से आने वाला फर्स्ट रियल स्मार्ट वॉच है एंड आई एम श्योर Xiaomi फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी इस वॉच को यूज करने में. एंड अगर आप एंड्रॉइड वॉच मार्केट की बात करते हैं तो ये सैमसंग एंड गूगल से डोमिनेटेड है. जहां गूगल अभी भी स्ट्रगल कर रहा है एक अच्छे स्मार्ट वॉच को लॉन्च करने के लिए, वहीं सैमसंग अपने गैलेक्सी वॉच में बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स लॉन्च करता है जो कि केवल सैमसंग फोन्स में ही रन कर सकते हैं. प्लस सैमसंग थोड़ा प्रीमियम भी कमांड करता है वॉचेस में. सो ऐसे मार्केट में Xiaomi की एंट्री बहुत ही टाइमली है एंड Xiaomi इज गोइंग टू चेंज दिस मार्केट फॉर श्योर. एंड साथ ही साथ ये कंज्यूमर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है बिकॉज आपको ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे प्लस आपको बजट ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे. सो ये था एक क्विक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड इनिशियल इंप्रेशन. एंड वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड आई सी यू अराउंड.